ओम नमः शिवाय। एकादशी की श्रृंखला में भी एक बार उपस्थित है कामिका एकादशी। कामिका अर्थात इच्छा, आपकी इच्छाओं को प्रदर्शित करने वाली और पूर्ण करने वाली एकादशी है। पूर्व की तरह युधिष्ठिर महाराज ने प्रभु जनार्दन से प्रश्न किया है, हे प्रभु, ये अषाढ़ कृष्ण में आने वाली एकादशी कौन सी एकादशी कही जाती है? प्रभु जनार्दन ने प्रत्युत्तर में बताया है, हे धर्मराज, यही प्रश्न ब्रह्मा जी को नारद जी ने बताया है। हे परम पिता, ये आषाढ़ में आने वाली जो एकादशी है उसका क्या व्रत विधान है और इसे किस तरीके से मनाया जाता है? परमपिता ब्रह्मा ने प्रत्युत्तर में बताया है, हे नारद जी, आषाढ़ कृष्ण में आने वाली एकादशी ये कामिका एकादशी है। जो सर्व कामनाओं को परिपूर्ण करने वाली है, इस एकादशी के व्रत से अपनी मनोकामनाओं का पूर्ण होता है और मानव ये सर्व जन्म में मोक्ष पद देने वाली एकादशी है। और ये नारद जी के शब्द को सुनकर परमपिता आगे बताते हैं, लोगों के कल्याण के लिए ये एकादशी परम पावनी है। शंख चक्र गदा धारण करने वाले और जिसकी सेवा में लक्ष्मी जी हैं, उनकी पूजा इस कामिका एकादशी के दिन होती है। और विशेषकर मधुदैत्य को मारने वाले भगवान नारायण का पूजन इस दिन होना चाहिए। और ध्यान करें, इस दिन भगवान की पूजा जितनी फलदायी है उतना यज्ञ फलदायी नहीं है, और तो और इस दिन प्रभु का पूजन इतना फलदायी है जितना गंगा स्नान नहीं, काशी स्नान नहीं और नैमिषारण्य का बीज स्नान फलदायी नहीं। ब्रह्मा जी बताते हैं, हे नारद जी सुनिए, कुरुक्षेत्र में, नैमिषारण्य में, पुष्कर में, गया में, केदार इत्यादि में सूर्य ग्रहण में किया हुआ स्नान इस एकादशी में भगवान विष्णु के पूजन के समान फलदायी नहीं है। यानी कुल मिलाकर समझ लीजिए, योगियों का जो मोक्ष का साधन है ये यही साधन है। इस दिन प्रभु को प्राप्त करने के लिए तुलसी दल से हरि पूजन करना, कमल का पुष्प चढ़ाना और तो और प्रभु को तुलसी के पुष्प को यानी मांजर को अर्पित करना, मोतियों से वैदुर्य मणि से भी प्रसन्न न होने वाले प्रभु को प्रीत और प्रसन्न करने का फल प्रदान करने आए। और इसके पीछे एक विशेष कथा भी जुड़ी हुई है, जो लोक उपभोग्य है यानी लोगों के द्वारा हमें पता चलती है। जाना जाता है कि पूर्व काल में एक सेठ अपने गांव में व्यापार करते थे और उनसे एक अपराध हो गया। एक
पंडित की हत्या और प्रायश्चित भी करना चाहते थे, लेकिन इस प्रायश्चित में गांव के कोई भी पंडित उपस्थित न रहे और वो ही पश्चाताप में सेठ इधर उधर घूमते रहे। अंत में एक योगी उन्हें मिलता है और बताता है और कहते हैं, हे सेठ, तुम ये कामिक एकादशी का व्रत करिए जिससे तुम्हारे सर्व पाप नष्ट हो जाएंगे। सेठ ने योगी के बताए हुए मार्ग पर चलना पसंद किया है। अंत में उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के फल से तपोबल युक्त होकर प्रभु के शरणों में जाता है। आइए, प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए हम भी ये व्रत करने का निर्णय करते हैं और प्रभु की शरण में ये चातुर्मासिक कामी का एकादशी का व्रत निर्णय करते हुए प्रभु से नित्य प्रीति के लिए और भगवान के शरण में निर्णय करते हैं कि हमारे भी पाप मुक्त हो और आप में प्रीति बनी रहे। ऐसी प्रार्थना करते हैं आपके सभी के हृदय में विराजमान भगवान सदाशिव को नमस्कार करते हुए सभी को ओम नमः शिवाय।